शास्त्री जी गुड मॉर्निंग सर। बैठी बैठी हाँ वेट कर रहे मेरी। हाँ कैसे हुए? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और पिया कैसी है? पिया बिल्कुल मजे में। मुझे एक दरख्वास्त करनी है। हाँ बताइए ना। बुरा मत मानना, वो क्या है कि मैं नहीं चाहता कि मेरे कुछ कहने से किसी की जज्बात को ठेस पहुंचे। क्या बात क्या है शास्त्री? समीर जब से तुम्हारी शादी हुई है ना, अभय साहब का रवैया मेरे प्रति कुछ बदल सा गया है। मतलब? नहीं मतलब रवैया बुरा नहीं हुआ है, वो मेरी कुछ ज्यादा ही चिंता करने लगे हैं। अब देखो ना, मेरे घर एक केयरटेकर रख दिया, मेरे ऑफिस का इंटीरियर चेंज करवा रहे हैं। अरे तो क्या बुरा कर रहे हैं जी, जो आपके संबंधी हैं आपका तो ख्याल रखना चाहिए। नहीं वो मैं मानता हूँ, लेकिन इतना सब? कल पिया भी कह रही थी कि उसे ये सब ठीक नहीं लगता। पिया की बात आप जाने दीजिए, उसके लिए तो रिलेशन रिलेशन। खैर उसकी बात आप छोड़िए, मैं पिया को समझा दूंगा। नहीं नहीं बात वो नहीं है, दरअसल मुझे भी ये सब ठीक नहीं लगता। ऑफिस के लोग क्या कहेंगे? क्या कहेंगे ऑफिस के लोग? अरे आप हमारी कंपनी में इतने सालों से काम कर रहे हैं, बल्कि मैं तो ये समझता हूँ कि हमारी कंपनी को आपके लिए ये सब बहुत पहले कर लेना चाहिए था। ठीक है, लेकिन पिया को जरूर समझा देना। पिया को मैं समझा दूंगा। ठीक है तो फिर मैं चलता हूँ, बहुत सारा काम बाकी पड़ा है। नंदकिशोर जी, पिया मैडम तैयार हो गई। सर पिया मैम साहब तो कब की तैयार है, आप ही का इंतजार कर रही है। मैं बुलाऊं? हाँ नहीं मैं देखता हूँ। ठीक है। अब है तो अब तुम पिया के साथ मिल गए हो। क्या? तो और क्या, पिया की खुशी अब मेरी खुशी से बढ़कर हो गई है तुम्हारे लिए। स्वाति ये तुम? समीर ने उसको ऑफिस जाने से मना किया ना, लेकिन तुमने इजाजत दे दी कि वो ऑफिस जाएगी। धीरे बोलो, पिया सुनेगी। तो उसमें पिया से छुपाने वाली बात ही क्या है? Come on, स्वाति, shut up, please, shut up. Can't you see? अगर मैं पिया को खुश रखता हूं तो हमारी आधी प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। तुम नहीं समझोगे, कभी नहीं समझोगे, क्योंकि तुम्हें तो मेरी हर बात पे शक होता है। कभी तो मेरे इरादों पे, मेरे दिमाग पे विश्वास किया करो प्लीज। मैं कैसे विश्वास कर सकती हूँ अभय, मुझे तो समझ ही नहीं है ना, मेरे तो दिमाग ही नहीं है। ऑफिस की रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होती है इस बात का तो अंदाजा ही नहीं है मुझे। ओके, अगर तुम्हें ये सोचना है तो सोचो, ठीक है? जीजू आई एम रेडी, चले? हाँ चले, लेट हो रहे हैं हम, चले। बाय दीदी। सॉरी भास्करन, ज्यादा इंतजार तो नहीं करना पड़ा, आओ बैठो। क्या सर, एक घंटा हो गया। खैर छोड़िए, कहिए कैसे याद किया मुझे? अभय ने मुझे बहुत दुखी किया भाई, मैं तो उसकी भलाई चाहता हूं, लेकिन देखिए मालिक साहब, अब हम इन बातों को भूल जाएं यही हमारे लिए अच्छा है, क्योंकि अभय साहब ने साफ साफ कह दिया कि वो अब आपके लिए कोई भी गलत काम नहीं करेंगे। मैं जानता हूं, इसलिए तो मैंने तुम्हें याद किया है। जी भाई, अभय को तो लगता है पैसा कमाने का कोई शौक नहीं है, लेकिन तुम्हें तो दौलत चाहिए ना। मतलब? मेरे लिए काम करोगे? आपके लिए? हाँ, चंद्रा ग्रुप के अंदर रहकर तुम मेरे लिए काम करोगे, वो मांगी रकम दूंगा। सॉरी सर, ये नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि मालिक साहब, अभय साहब की मर्जी के बगैर रिजेक्टेड तो क्या, टेस्टेड माल तक कंपनी के गेट के बाहर नहीं जा सकता। भाई मैंने कब कहा कि मुझे माल बाहर निकलवाना है?
माल लिखवाने के लिए तो और भी कई कंपनीज है और उसके कई अफसर बिकाऊ भी हैं। तो फिर मुझसे क्या काम करवाना चाहते हैं आप? बड़ा आसान काम है भास्करन। अभय की हर बात का, उसके हर कदम, उसकी हर चाल की खबर तुम मुझे देते रहोगे। अभय ने मेरे एहसानों को नजरअंदाज करके मेरे इंसल्ट किए। मैं किसी भी कीमत पर उसे तबाह करना चाहता हूं। करोगे मेरे लिए काम? मानसिक साहब, मैंने अभय साहब का नमक खाया। नमक की कुछ तो कीमत होगी, बोलो कितना चाहिए? बोलो कितना दे सकते हैं आप? हाँ, मुझे लगता है मैंने ठीक नहीं किया। सबको चलने देता जैसा चल रहा था। हाँ। आप किस बारे में बात कर रहे हैं जीजू? अरे वही, वो रंगलिक वाला किस्सा। तो आप मानते हैं कि आपने ये सब कुछ? अगर मैं बीच में नहीं पड़ता तो क्या होता? भास्करन और मोहंती ने तो मुझे कन्विंस भी कर दिया था, यहां तक कि मैंने मांगलिक को लेटर भी लिखा था। खामखा मेरा दिल नहीं माना। मुझे ऐसे लगा कि कल को अगर मुझे समीर को जवाब देना है तो मैं क्या जवाब दूंगा उसे। तुम्हें क्या लगता है भैया, वो लेटर मुझे मांगलिक को दे देना चाहिए था? सच बताऊं जीजू, अगर मैं आपकी जगह होती तो ड्राइविंग पे कंसंट्रेट करती। एक बात बताइए जीजू, आप पे इतने सारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, कितना प्रेशर रहता है काम का हर वक्त आप पर, फिर भी आप ड्राइविंग करते वक्त इतना कूल कैसे रहते? एक ड्राइवर क्यों नहीं रख लेते? आई लव ड्राइविंग माई सेल्फ। I like to be in control of things. Actually, मैं भी सोच रही हूँ कि मुझे भी ड्राइविंग सीखनी चाहिए। चलो कोई बात नहीं, तुम्हारे लिए एक गाड़ी खरीद लेते हैं। Oh no, जीजू, आप भी हर बात को इतनी एक्सट्रीम्स तक क्यों ले जाते हैं? और पापा के लिए हाउसकीपर रखने की क्या जरूरत थी? और फिर उनके कैबिन को रीडिजाइन करना, आई मीन रियली, हर बात के पीछे कोई लॉजिक तो होनी चाहिए ना? तुम्हें क्या लगता है ये सब कुछ मैं क्यों कर रहा हूं? मुझे क्या पता। मैं ये सब कुछ इसलिए कर रहा हूं कि ताकि तुम खुश रहो और समीर से मेरी कोई शिकायत ना करो। कहीं उसने मुझे नौकरी से निकाल दिया तो? वेरी फन। गुड आफ्टरनून मैडम, आप यहाँ? तुम यहाँ कैसे? तुम तो गेस्ट हाउस में काम करते हो ना? जी हाँ, लेकिन वो अभय साहब ने मेरी ड्यूटी यहाँ जो लगवा दी। क्यों? पता नहीं मैडम। शास्त्री जी कहाँ हैं? जी नहीं, वो तो घर पे नहीं है, वो तो ऑफिस चले गए। सुना है उनका केबिन चकाचक बना रहे हैं अभय साहब। क्या? गुड मॉर्निंग पापा। गुड मॉर्निंग मिस प्रिया, ये कोई वक्त है ऑफिस आने का? एक मिनट। मिस्टर शास्त्री, पहली बात तो ये कि मैं अब मिस प्रिया नहीं रही, मैं मिसेस प्रिया चंद्रा हूँ। और दूसरी बात, कंपनी के मालिक की पत्नी होने के नाते मैं जब चाहे आ सकती हूँ और जब चाहे जा सकती हूँ, समझे? सॉरी मैम, गलती हो गई। कहिए मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ? पहले मेरे एक सवाल का जवाब दीजिए, आपने नाश्ता किया कि नहीं? किया था मेरी माँ, 5-star ब्रेकफास्ट किया था। वो जोसेफ बैठा है ना वहाँ मेरे घर पे,
वेरी गुड बेटा। वैसे मैंने समीर से भी कह दिया है कि अभय साहब आजकल मेरा कुछ ज्यादा ही ख्याल रखते हैं। छोड़िए ना पापा, मैंने भी इस बारे में सोचा था। और अगर जीजू को ये सब करके खुशी मिलती है ना, तो हमें मान लेना चाहिए। समीर भी यही कह रहा था, लेकिन अच्छा समीर से मिले आप, कैसा मूड है उसका? अच्छा मूड है, क्यों? आज सुबह झगड़ा कर लिया हमने। क्या? नाश्ता किए बगैर ही निकल गया वो। कमाल है, और तुम्हें मेरे नाश्ते की पड़ी है? या झगड़ा जरूर तुम्ही ने शुरू किया होगा। जाओ जाके माफी मांगो। चलो पापा। मैंने कहा ना जाओ। अच्छा जाती हूँ। पता नहीं कब अकल आएगी इसे। ये रहे उसके प्लान्स और टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस पीछे हैं, देख लो एक बार। लेकिन 5 दिन में ये काम हो जाएगा? हाँ, वी हैव द मैन पावर। ओके। क्यों, क्या हुआ? पीआई है आपके साथ। चलो पूछा तो सही, मुझे लगा सुबह के झगड़े के बाद अभी तक नाराज हो उससे। लो पीआई, अब तुम दोनों बातें करो, मैं चलता हूं। ओके। हाय। ये एक नया ऑर्डर है, उसके प्लान्स हैं। प्रोडक्शन मैनेजर से कोऑर्डिनेट करके देख लेना कि कितने वर्कर्स लगेंगे और क्या लेबर कॉस्ट होगा। हेलो हेलो, अरे घर में कोई नहीं है क्या? आप कौन है जी? मैं कौन हूँ पहले ये बताइए, आप कौन है? मैं नंद किशोर। ओहो, तो आप है नंद किशोर। देखिए नंद किशोर जी, मुझे अच्छी तरह पहचान लीजिए, मेरा नाम है रोली और मैं आपकी नई मालकिन पिया की खास सहेली हूँ, ठीक है? बस। अरे आप अंदर बैठिए, मैं आपके लिए पानी लेके आता हूँ। क्या, सिर्फ पानी? अरे पिया की खास सहेली हूँ, और कुछ खाने को लेके आइए, बहुत भूख लगी है, जल्दी खाना खाकर जाऊंगी, खाली पानी से क्या होगा। हेलो, इतने बड़े घर में कहाँ छुपे हैं? हेलो, कोई है घर में? कौन है नंद किशोर? हेलो दीदी, कैसी हैं आप? तुम? जी। कैसे आना हुआ? पिया क्या कर रही है? वो नहीं है घर पर। कहाँ गई? ऑफिस। ऑफिस? ओह माय गॉड, ये लड़की भी ना कमाल की है। हाथों की मेहंदी उतरी नहीं और पहुंच गई ऑफिस काम करने के लिए। इस लड़की को बिल्कुल सब्र ही नहीं है, पहले भी ऐसी करती थी ये। कॉलेज में सर? वो शाम को ही आएगी। हाँ, अब जब ऑफिस गई है ना, तो सारा काम निपटा कर ही आएगी, मैं अच्छी तरह जानती हूँ उसे। कॉलेज में जब सर कोई काम देते थे तो मैं पीछे छूट जाती थी, लेकिन कुछ खास काम है तुम्हें उससे? नहीं, मैं मिलने आ गई। ठीक है, मैं कह दूंगी उससे। नमस्ते। और एक मिनट, क्या नाम है तुम्हारा? बबली ना? रोली। हाँ रोली, देखो अगली बार से तुम्हें जब भी यहां आना हो तो पहले एक बार फोन करके पूछ लेना कि पिया घर पर है कि नहीं, ठीक है? खामखा तुम इतनी दूर आओगी। और जी मैं समझती हूँ, मैं चलती हूँ। और वैसे अब तुम्हारी सहेली इस घर की बहू तो बन ही चुकी है, इसलिए तुम्हें यहाँ आने से कोई रोक नहीं सकता है। लेकिन फिर भी। नमस्ते दीदी। हाँ ठीक है, फ्राइडे मिलते हैं। दो या ढाई बताइए। ढाई, ओके ठीक है, बाय जी। समीर, आने वाले न्यूज़लेटर के फ्रंट पेज का मैटर तुमने तैयार कर लिया है, अब जरा तो अप्रूव कर दो तो प्रेस भेज दो।
नहीं, ये प्रूफ क्या करना है इसको? आपने लिखा है ठीक ही होगा। नहीं ठीक तो है, लेकिन इस बार मैंने क्या किया है कि वो जो अपनी पॉपुलर स्कीम्स होती है ना हमेशा अनाउंस की जाती है, उनका जिक्र तक नहीं किया है। उसके बजाय मैंने ऐसे मुद्दों को टच किया जो सच है, सही है। हाँ तो ठीक ही तो है, जो स्कीम्स अमल में ही नहीं आती उनका जिक्र करके क्या करना है, जस्ट वेस्टिंग पेजेस। ठीक है समीर, ये क्या है? तुम्हें अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज का एहसास है कि नहीं? गलत क्या कह दिया मैंने? जो पॉलिसी अमल में ही नहीं आती है उसके बारे में लिख के क्या करना है? मैं पॉलिसीज की बात नहीं कर रहा हूं, मैं यह की बात कर रहा हूं। शास्त्री, आपको मालूम है इसने क्या किया? साहबजादे ने सुबह सुबह बिना बात के उसे नाराज कर दिया। ऐसा कुछ नहीं हो गया है, मैंने सिर्फ ये कहा कि कुछ दिनों के लिए ऑफिस मत जाओ। कम ऑन, गेट अप। क्या सुबह से अपसेट लग रही है? जाओ उसे मनाओ उसे। अरे ऐसा जाओ मनाओ उसे। क्या हो गया? अब ऐसा मैं नहीं। नहीं शास्त्री जी, आप चिंता बिल्कुल मत कीजिए। इस उम्र में तो ये छोटी मोटी नोकझोंक चलती रहती है, लेकिन हम बड़ों को उन्हें समझाना चाहिए। करेक्ट जी। मैं चलता हूँ। और उनसे कहना इस बार एक्सपीरियंस लेबर भेजें। हाँ जी मैम। जी सर, ये रही लेबर ब्रेकडाउन। और अगर इक्विपमेंट ब्रेकडाउन नाराज हो और अगर इक्विपमेंट ब्रेकडाउन नहीं हुआ तो काम 4 दिन में हो जाएगा। I'm sorry. पिया, मैं क्या करता पिया? सुबह सुबह दीदी का मूड इतना खराब था कि I said I'm sorry. ठीक है, जाने से पहले मेरे कमरे से अपना डिसमिसल ऑर्डर ले जाइएगा। यू फाइन। मैं जानता था नौकरी छुड़ाने की धमकी दूंगा तो असर होगा तुम। वैसे गुस्से में तुम ज्यादा समझ लेती। Yeah, that's cool. That's okay. Details कमरे में भेज दीजिएगा। जी। अब सर, धीरे धीरे चंद्रा ग्रुप का सारा कामकाज समीर बाबू और पिया मैडम की देखरेख में हो रहा है। अच्छा है ना, इस उम्र में काम नहीं करेंगे तो क्या तुम्हारी तरह आराम करेंगे? लेकिन सर, मैं तो आपका हर काम करता हूँ, आप हुक्म कीजिए। फिलहाल एक काम कीजिए, आप अपनी जगह पे जाइए और मुझे आराम करने दीजिए। लेकिन सर कुछ तो सोचिए, अगर इसी तरह चलता रहा तो एक दिन आपके हाथ में कुछ भी नहीं बचेगा सर। धीरे धीरे चंद्रा ग्रुप का सारा पावर समीर बाबू और पिया मैडम के हाथ में चला जाएगा। गलत, समीर और पिया के नहीं, सिर्फ पिया के। मैं कुछ समझे नहीं, है ना? और समझोगे भी नहीं, क्योंकि मेरी चाल समझने के लिए थोड़ी अकल चाहिए जो तुम्हें है नहीं। सर आप समझाएंगे तो जरूर समझूंगा सर। भास्करन देखना किस तरह मैं पिया का विश्वास धीरे धीरे पूरी तरह जीतता हूं, उसे तरक्की के रास्ते पर इस तरह ले जाऊंगा वो समीर को काफी पीछे छोड़ देगी। और उसके बाद चंद्रा ग्रुप का हर काम पिया के इशारे पर होगा। और पिया आपके इशारे पर चलेगी ना सर? समझ गया सर, वेल डन। आपके दिमाग का जवाब नहीं है सर, और इस तरह वही होगा जो आज तक होता है। आपका राज इसी तरह चलता रहेगा और आपके जाल में फंसती जाएगी बेचारी पिया।